इसलिए कि वो दो पीढ़ी एक पीढ़ी जो वो संघर्ष करेगा अपने आहुति देगा, लेकिन हमारी आगे वाली पीढ़ी। आज हम अपने चैनल मुद्दा भारत का के जरिए मिलने जा रहे हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के थाने जिला अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी से, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी में पिछले दो दशक से जुड़े हुए हैं। शैलेश मिश्रा वैसे तो मुंबई थाने के मूल निवासी हैं, लेकिन जब भी दूसरे प्रदेशों में चुनाव होती है उन्हें उत्तर भारतीय मतदाताओं के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जाती है, फिर चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य। अभी हाल ही में मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान कुछ जिलों में विशेष प्रभारी नियुक्त कर चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई थी, उसमें वे काफ़ी सफल भी रहे। शैलेश मिश्रा को इसके पहले महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय मोर्चा प्रदेश सचिव पद की जिम्मेदारी थी, जिसके दौरान मिश्रा जी महाराष्ट्र के 65 जिलों में से उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र व विदर्भ में 45 जिलों का दौरा किए। इस दौरान वे पार्टी का संगठन, प्रशिक्षण वर्ग व रथ यात्रा जैसे कार्यक्रम में हिस्सा लिए। शैलेश मिश्रा को मौजूदा समय में थाने जिले का उत्तर भारतीय मोर्चा का नेतृत्व दिया गया है और उन्हें आने वाले मनपा चुनाव मुंबई थाने व नवी मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाताओं के बीच जाकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। शैलेश मिश्रा, आप लोगों के घर जा जाकर हाल चाल यात्रा और चाय पर चर्चा कर लोगों को पार्टी के प्रति एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाने का आह्वान कर रहे हैं। आज हम मुद्दा भारत का के चैनल के जरिए उनसे जानेंगे कि पार्टी की तरफ से उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर भारतीयों के बीच वे किस तरह अपना प्रभाव बना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्याम गिरी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने चैनल के जरिए मिलेंगे उत्तर भारतीय मोर्चा के थाने जिला अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी से और उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति और थाने जिले की राजनीति के बारे में। उनको ऊपर पूरी थाने जिले की जवाबदारी दी गई है उत्तर भारतीयों के लिए। तो मिश्रा जी, शैलेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए हम कई सवाल लेके आए हैं, खासकर उत्तर भारतीय मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं उसके लिए। थाने जिले में जो जवाबदारी दी गई है आपको, तो किस तरह की जवाबदारी दी गई है और उत्तर भारतीयों को किस तरह आप एक्टिव कर रहे हैं? ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः उत्तर भारतीयों की पार्टी है जी, लेकिन थाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 25 साल युति में रहने के बाद में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से सक्रिय तो रही, लेकिन चुनावी रूप से वो कभी भी मतलब सक्रिय नहीं रह सकी, वो अपने आप खुद लड़ नहीं पाई। हमेशा से चुनाव लड़ने के समय पे शिवसेना जो हमारी युति की साथी थी 25-30 साल तक, उन्होंने हमेशा लीड लिया। तो चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके से जो यंत्रणा हमारी है उसको तैयार करने के लिए हम लोगों को जमीनी स्तर पर जाके, वार्ड स्तर पर जाके, मंडल स्तर पर जाके अपने लोगों को जोड़ना पड़ा, जोड़ के उनमें जिस क्षमता के हिसाब से उनको वो दायित्व देना पड़ा। पिछले दो साल के कार्यकाल में हमने यही किया है कि हर एक वार्ड में, खासतौर पे जो उत्तर भारतीय बहुल क्षेत्र है, वहाँ जाके वहाँ पे जो जहाँ भी संभावनाएं दिख रही हैं नेतृत्व की, उसको निखारने का, उसको संवारने का, उसको शक्ति देने का काम हमने करने का पूरा प्रयास किया है और हमारी पूरी कमेटी बनी हुई है। और ये कमेटी के माध्यम से हम भाजपा को थाना में सशक्त करने का काम कर रहे हैं। देखा जाए तो थाने जिले में, थाने शहर में, थाने महानगरपालिका चुनाव में अभी आ रहा है, उसके ऊपर बात करें तो यहाँ पर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी लगभग मेरे ख्याल तीसरे नंबर पे है और उसमें यहाँ पर उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत है, लेकिन जिस तरह से उनकी जो नगर सेवकों की संख्या है बहुत कम है, इक्का दुक्का है। तो क्या लगता है इसमें टिकट के लिए भी कुछ दिक्कतें होती हैं, पार्टी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा भी शिकायतें हैं लोगों की, तो कैसे न्याय दे पाओगे आप अभी आने वाले चुनाव में, क्योंकि मुंबई और थाना साथ में चलने वाली है? अभी तक भाजपा को कभी भी खुल के लड़ने का मौका नहीं मिला, हमेशा से एक दबाव में, एक युति के दबाव में उन्होंने उत्तर भारतीयों को न्याय नहीं दे पाए जी। लेकिन आज थाने शहर जिला अध्यक्ष माननीय एडवोकेट निरंजन डावखरे जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय केळकर जी के माध्यम से उत्तर भारतीयों को अधिक से अधिक न्याय दिलाने का पूरी रचना हो गई है। अब हमें सिर्फ दिक्कत यह है कि हम लोग सक्षम, धन बल, जन बल, मन बल, बाहुबल से सक्षम जो उम्मीदवार हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, हम पार्टी का अपने उम्मीदवार को पार्टी के ऊपर लाद के पार्टी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं जी, बिल्कुल। जो जीतेंगे, जो सच में समर्थ हैं, जो शिवसेना को, एनसीपी को, कांग्रेस के इस देश विरोधी गतिविधि में और यहाँ पे स्थानीय निकाय के बारे में खासतौर पे कहूँगे, यहाँ पे भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार का ये लोगों ने तांडव किया है, इसका मुकाबला करके
आम जनता को न्याय दिलाने का जो एक काम है वो भाजपा के माध्यम से होने वाला है, और इसके लिए उत्तर भारतीयों की जनसंख्या के आधार पे उन्हें उचित नेतृत्व पार्टी देने का पूरा मन बना चुकी है। अब हमारे लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो अपने आप को किस तरीके से पार्टी के सामने प्रस्तुत करते हैं और ये विश्वास जताते हैं कि वो जीत सकते हैं। शैलेश जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की गवर्नमेंट आई है, उसके बाद से यहाँ पर जो मुंबई, ठाणे या पूरे महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीय रह रहे हैं उनमें काफ़ी जोश आ गई है और उनको काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में जो है उनका काफ़ी। भैया, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे हाथ डाला है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे टर्म योगी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार आई है, हम लोग भी 55 दिन के लिए यहाँ से 125 लोग गए थे उत्तर भारतीय मोर्चा के माध्यम से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे जी को 54 विधानसभा दी गई थी और एक ठाणे जिला अध्यक्ष के तौर पे मुझे भी 9 विधानसभा बरेली की और 4 विधानसभा पीलीभीत की दी गई थी और हम लोग यहाँ से 21 लोगों को लेके गए थे। वहाँ पे 55 दिन हम लोगों ने काम किया, बहुत अच्छी जीत हमको मिली और वहाँ पे धरातल पे क्या स्थिति है इसका हमको अंदाज़ा आया। लेकिन एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा श्यामगिरी जी, कि वहाँ से जीत के आने के बाद में यहाँ के जो स्थानीय पार्टियाँ हैं, खासतौर पर NCP और कांग्रेस और शिवसेना, इनके बीच में ये लोगों ने उत्तर भारतीयों को मतलब टारगेट करके इनको तकलीफ देने का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने ये समझ बैठे हैं कि उत्तर भारतीय यानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला है। आपको विश्वास नहीं होगा, दूसरे ही दिन यहाँ के कई जो हॉकर हैं, जो फेरी वाले हैं, उनको खास इसलिए उनको प्रताड़ित किया गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जीत के आई है। तो उत्तर भारतीयों को यहाँ पे एक दोहरे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वो अपनी निष्ठा भारत के साथ, सनातन धर्म के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक स्वाभाविक उनका नाता है, इसके लिए उनको कहना नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी मतलब गृहित धर ले पकड़ लेती है उनको कि ये तो हमारे ही लोग हैं, इसी फेर में उनके साथ कभी कभी न्याय भी नहीं होता है। लेकिन उत्तर भारतीय समाज बागी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ भाजपा के साथ खड़े हैं और भाजपा उनको पूरा मौका भी देने के लिए तैयार है। रही बात, अगर कोई स्थानीय नेता अपने आप को नहीं काबिल बना पा रहा है या जो स्थानीय विरोध को नहीं झेल पा रहा है, तो वहाँ पे हम पार्टी के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे और एक वातावरण जरूर बनना चाहिए। अगर संख्या में, जनसंख्या के आधार पे जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी हमारी भागीदारी के तौर पे अगर हमें नेतृत्व करने का मौका दिया गया, तो एक संदेश जाएगा पूरे समाज में कि भारतीय जनता पार्टी एकमेव पार्टी है जो हमारे साथ न्याय दिला सकती है, हमारे सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए हमारे पीछे खड़ी रहती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, आज के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने आज मंच से, प्रदेश कार्यालय की एक मीटिंग में मंच से उन्होंने ललकार के कहा कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, आप अभी लड़ने की पूरी तैयारी करो, कि उनके उन वचनों को स्मरण करते हुए और हमारे थाना के नेतृत्व को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमें उत्तर भारतीयों को पूरा न्याय मिलेगा और हम अपना चुनाव लड़ पाएंगे और अपना नेतृत्व कर पाएंगे। उत्तर भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर भारतीयों को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए अभी पार्टी ने कृपा शंकर जी को जवाबदारी दी है, उनको प्रवक्ता बनाया गया है जी, तो उनका कितना सहयोग मिल रहा है और किस तरह आप लोग उनका स्वागत किए हो? 7 जुलाई को पिछले साल कृपा शंकर सिंह जी को, पूर्व राज्य मंत्री जी को, मतलब भाजपा में उपाध्यक्ष के तौर पे उनका आगमन हुआ जी, और उसके बाद में अभी हाल ही में उनको एक उत्तर भारतीय मोर्चा का प्रभारी के तौर पर उन्हें एक दायित्व दिया गया है। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पार्टी में आने के पहले उन्होंने 16-17 महीना तक एक जन यात्रा की और घर घर पहुँचे, उत्तर भारतीय समाज के घर घर पहुँच के उन्होंने पहले अपने आप को साबित किया, क्योंकि वो जिस पार्टी से पहले जुड़े हुए थे वो एक तरीके से भारत के साथ न्याय नहीं कर रही थी, और ख़ास तौर पर 370 पे जब उन्होंने भारत के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जब अपना दिखाया मत, तो उसी मुद्दे के ऊपर कृपा भैया ने कांग्रेस को त्यागपत्र देके, और ये नहीं कि वो मौका तलाश के वो भाजपा में आ गए हैं, उन्होंने यही बात दोहराया कि मैं मौके से नहीं आऊँगा, मैं अपने आप को साबित करके आऊँगा।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो उनकी ख्याति है, उत्तर प्रदेश में भी उनका जो उनका पकड़ है पूरे समाज में, एक जिस तरीके से फिल्म में अमिताभ बच्चन का स्थान है उसी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में कृपा भैया का स्थान है उत्तर भारतीयों के दिल में। और वो जिस तरीके से पूरी इस उम्र में भी वो पूरा समय दे रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो उत्तर भारतीयों को न्याय दिलाने में कामयाब होगी। उत्तर भारतीय कितना उम्मीद करते हैं उनसे और क्या लगता है कि कितना जस्टिफाई वो कर पाएंगे अपने? उनका जो अनुभव है राजनीति में, जो उनका अनुभव है और उनके पूरे समाज के हर वर्ग के ऊपर जो उनकी पकड़ है, और जिस तरीके से वो बिना भेदभाव के हर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयत्न करते हैं और सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, मैंने खुद अनुभव किया है। और जैसे कृपा भैया हमेशा कहते हैं अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं हो सकता। मैं अपने अनुभव के तौर पे बताता हूँ कि कृपा भैया जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष संजय पांडे जी के साथ एक और एक ग्यारह की जोड़ी बना के चल रहे हैं, और संजय पांडे जी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में एक और एक ग्यारह की जोड़ी बना के चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय समाज के साथ और उत्तर भारतीय मोर्चा के जोड़ी के साथ में हम पूरे मुंबई में भी और थाना में भी और आने वाले 14 कॉर्पोरेशन चुनाव में भी उत्तर भारतीय अपना बुलंद कामयाबी हासिल करेगी। आप अपने उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र भर में क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल से मैं सच पूछूं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने थोड़े ही समय में उत्तर भारतीय समाज के दिल में जगह बना ली है अपने शिद्दत से, अपनी मेहनत से, निरंतर प्रयास से। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और इतने सशक्त माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सारा भेदभाव भूल के आप लोगों को एक ही चीज़ समझ लेना चाहिए कि आपको अगर कोई सम्मान, सुरक्षा और न्याय दे सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो सारा सब कुछ भेदभाव भूल के, हो सकता है आपको अपने स्थानीय लेवल पे आपको थोड़ा विरोध का सामना करना पड़े, आपको धंधा में, आपको घर में कोई परेशानी की भी सामना करना पड़े, लेकिन अगर हमको गरिमामय जीवन जीना है, आज हम दूसरी तीसरी पीढ़ी से महाराष्ट्र में, मुंबई में, जिले जिले में, शहर शहर में बस के हम अपना योगदान दे रहे हैं, महाराष्ट्र के रोग प्रगति में भी हमारा उतना ही हिस्सा है जितनी हमारी यहाँ जनसंख्या है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पूरी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के पीछे एक शिला के माफित खड़े रहिए और आपकी सारी ज़रूरतें यहाँ पर पूरी होंगी। थैंक यू शैलेश जी, उम्मीद करूँगा कि हमारे जो उत्तर भारतीय हैं आपकी आवाज़ सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, आपको बहुत बहुत कामयाबी मिले। और हम आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि आपके इलाके में कुछ भी मुद्दा हो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें और हमारा चैनल कैसा लग रहा है उसके बारे में बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।